नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। पूर्व में मौलिक अधिकार टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने मौलिक अधिकार की परिभाषाएं और उसके संदर्भ में राज्य की परिभाषाओं के साथ अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कुछ प्रचलित मौलिक अधिकार से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया था, जिसके माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया गया था कि किस तरीके से मौलिक अधिकार पृथक हैं और वो व्यक्ति के अधिकार की एक गारंटी प्रदान करते हैं। तो उस टॉपिक में जो भी मौलिक अधिकार के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा किया था, उसके आगे आज का ये मौलिक अधिकार का टॉपिक प्रारंभ किया जा रहा है और हम अनुच्छेद 14 से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि 12 और 13 के अंतर्गत हमने पूर्व में अध्ययन किया हुआ था। तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था। यहाँ से मूल रूप में और वास्तविक रूप में मौलिक अधिकारों की व्याख्या एक एक करके प्रारंभ की गई है। तो आप ये पहले से जानते भी हैं और कि मूल रूप से भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से मौलिक अधिकारों की संख्या 6 कर दी गई है और संपत्ति के अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार था, उसे अनुच्छेद 300 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। अर्थात अब जो है भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की संख्या घटकर केवल 6 रह गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वह 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरीके से वर्तमान समय में भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत 6 प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के लोग अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए इन अधिकारों के माध्यम से अपने सुविधाओं का प्रयोग करते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, परिवार समाज के विकास में अपना योगदान देते हैं। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में उल्लिखित है, और इसी तरीके से स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में उल्लिखित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 एवं 24 में उल्लिखित है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 के बीच में उल्लिखित है, और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 के अंतर्गत है, और इसी तरीके से संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। 31 में संपत्ति के संदर्भ में पूर्व में प्रावधान किया गया है, जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया, और इस तरीके से यहाँ पर इन अधिकारों को प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों को प्रदान किया गया है। 33, 34 और 35 भी है, जिसके संदर्भ में कुछ मार्शल ला और कहीं पर जहाँ पर सेना के लोग रहते हैं उसके संदर्भ में, तथा संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कानून बनाने जैसे उपबंधों का वर्णन किया गया है, जिसे हम आगे देखेंगे। और इस रूप में आप देखेंगे कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, और हम एक एक करके इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित
उपव्यवस्थाओं का और इससे संबंधित उठने वाले प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे, जिससे न केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में उठने वाले सवालों का भी आप बेहतर ढंग से जवाब दे सकते हैं। तो समानता के अधिकार हम 14 से 18 के बीच में जो उल्लिखित है उस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत यह बताया गया कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले लोगों के लिए विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, अर्थात राज्य या संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इस तरीके से होगा जो यहां रहने वाले लोगों के लिए विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। नागरिकों को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से उन्हें वंचित नहीं किया जाएगा। यहां पर दो शब्दावली विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण इस अनुच्छेद के अंतर्गत इन दोनों शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य के द्वारा या व्यवहार में कहा जाए तो संसद के द्वारा और राज्य के विधानमंडल के द्वारा, क्योंकि कानून भारत में इन्हीं दोनों अंगों के माध्यम से बनाया जाता है, तो इनके द्वारा बनाए गए कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, कोई भी व्यक्ति इन कानूनों से ऊपर नहीं होगा, इसी को ही विधि का शासन कहा जाता है और यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। विधि के समक्ष समानता यानी कि जो विधि बनेगा उसके सामने सभी लोग समान होंगे, इसी को विधि के समक्ष समानता कहा जाता है और यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। लेकिन दूसरी व्यवस्था है विधियों का समान संरक्षण। यह व्यवस्था जो विधि के समक्ष समानता, ये नकारात्मक अर्थ में समानता को व्याख्यायित करता है, क्योंकि इसके समक्ष सभी लोग समान होंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति दिव्यांग हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई बच्चे हो। लेकिन ये व्यवहार में स्वीकार करने वाली बात है कि सभी लोगों को एक जैसे नहीं माना जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और राज्य को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि उन सभी लोगों के विकास के लिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्थाएं अतिरिक्त होना चाहिए जिसके आधार पर वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और राज्य के द्वारा इस तरीके से किए गए अतिरिक्त प्रयास को ही सकारात्मक कार्य कहा जाता है, अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। अफर्मेटिव एक्शन इसका तात्पर्य यह है कि अफर्मेटिव एक्शन जो भी कानून बनाए गए हैं वह तो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होंगे, लेकिन चूंकि सभी लोगों की स्थिति एक जैसी नहीं है, अर्थात समाज के संवेदनशील वर्गों के लिए यदि कुछ व्यवस्थाएं राज्य के द्वारा किया जा रहा है जिससे वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके तथा समाज और विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके, तो उन गतिविधियों को ही अफर्मेटिव एक्शन या सकारात्मक कदम कहा जाता है। यहां पर स्वतंत्रता जो थी वो नकारात्मक संदर्भ में थी, लेकिन यहां पर स्वतंत्रता सकारात्मक संदर्भ में व्याख्याई की गई, इसी को अफर्मेटिव एक्शन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि राज्य भारत राज्य क्षेत्र के भीतर रहने वाले किसी भी नागरिक को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधियों के समान संरक्षण का तात्पर्य यह है कि सभी लोगों को समान रूप से नहीं माना जाएगा, बल्कि जो कानून बनाया जाएगा वो समानों में समान रूप से लागू किया जाएगा। वो सब पर समान रूप से लागू नहीं होगा, बल्कि समानों में समान रूप से लागू है। यदि कोई भी कानून बना दिया गया तो अगर दिव्यांग वर्ग को ध्यान में रखा जाए तो उन दिव्यांग लोगों के लिए सभी पर समान
समान रूप से लागू होगा। लेकिन यह कहा जा सकता है कि अगर कोई दिव्यांग कानून बनाया गया तो उसमें यह नहीं वर्गीकृत किया जा सकता कि कुछ दिव्यांगों के लिए ये व्यवस्थाएं होंगी और कुछ दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्थाएं होंगी। अगर दिव्यांग ये हैं तो इनके लिए समान व्यवस्था होगी, ये सभी लोगों के लिए एक ही नियम लागू होगा, इसमें किसी तरीके से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन कोई भी कानून अगर साधारण लोग हैं और कोई कानून बनाया जाए तो इनको ऐसे दर्जा नहीं दिया जा सकता, इनको एक घेरे में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि दिव्यांगों की स्थिति कुछ ना कुछ पृथक है, कुछ उनकी विशिष्ट स्थितियां हैं जिनसे उनको निकलने के लिए तथा जिनसे जिस परिस्थिति में उनको संबल प्रदान करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। लेकिन वो विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं सभी दिव्यांगों के लिए एक जैसी होंगी, इसी को कहा जाता है कानून का सभी लोगों पर समान रूप से लागू न होना, बल्कि कानून का समानों पर समान रूप से लागू होना। समानों पर समान रूप से कि मतलब एक प्रकार के जो लोग हैं उन पर वह समान रूप से लागू होगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसे ही विधियों का समान संरक्षण कहा जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत व्याख्यायित किया गया है। तो इस तरीके से आपने विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण की अवधारणा को देखा। हाँ, विधियों का समान संरक्षण यह अमेरिका की जो है व्यवस्था है, अमेरिका से लिया गया जो व्यवस्था है वो विधि के समक्ष समानता ही ब्रिटेन से ली गई एक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत हम कुछ सिद्धांतों पर भी प्रकाश डालना उचित समझते हैं। दो शब्द हैं, एक वर्गीकृत विधायन, वर्गीकृत विधायन, और दूसरा है विधायी वर्गीकरण, विधायी वर्गीकरण। यहां पर वर्गीकृत विधायन और दूसरा विधायी वर्गीकरण, ये दोनों ही सिद्धांत अनुच्छेद 14 से संबंधित हैं, इसलिए अनुच्छेद 14 के मौलिक अधिकारों के प्रावधान का उल्लेख और इसका अध्ययन करने के साथ साथ इसे भी देखना आवश्यक है, क्योंकि अक्सर इससे संबंधित सवाल आपके इंटरव्यू इत्यादि में पूछे जाते रहे हैं। तो वर्गीकृत विधायन और विधायी वर्गीकरण में क्या अंतर है? वर्गीकृत विधायन का तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था है जिससे समाज में अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कानून बनाए जाते हैं। इसे भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था में अस्वीकार कर दिया गया है। भारत में विधायी वर्गीकरण की बात की गई है और इसका तात्पर्य यह है कि जो भी कानून बनाए जाएंगे वो समाज के संवेदनशील वर्गों को ध्यान में रखते हुए उसका युक्त ढंग से विवेकपूर्ण ढंग से उसका अलग अलग प्रकार से क्रियान्वयन और प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सकता है। अर्थात यहाँ वर्गों के लिए कानून तो नहीं बनाए जाएंगे, सभी लोगों के लिए कानून एक ही बनाया जाएगा, लेकिन उस कानून का संवेदनशील लोगों के लिए कुछ परिवर्तन के साथ लागू होगा, कुछ सुविधाओं के साथ लागू होगा, उसे ही विधायी वर्गीकरण कहा जाता है। इसके लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है युक्त युक्त ढंग से उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, युक्त युक्त ढंग से उसमें विभेद किया जा सकता है। ये शब्द प्रयोग किया, इसे रीजनेबल कहा जाता है। अर्थात विवेकपूर्ण ढंग से इस विधि का विभेद किया जा सकता है और उसका उद्देश्य समाज के निचले तबके के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने से संबंधित होना चाहिए, तभी वह विधियों के समान संरक्षण की भावना का भी समर्थन करेगा, उसका सम्मान करेगा और राज्य के अफर्मेटिव एक्शन के अंतर्गत आएगा। तो आपने देखा कि वर्गीकृत विधायक यानी कि समाज में अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए, अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, कानून एक ही होगा जो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगा, लेकिन राज्य को ये अधिकार होगा कि वह युक्त ढंग से उसमें विभेद करके लोगों के लिए उसे लागू कर सकता है। अर्थात कानून अलग अलग नहीं बनेगा, कानून एक ही बनेगा, लेकिन युक्त ढंग से उसमें विभेद करते हुए समाज के निचले तबके के लोगों के लिए, संवेदनशील वर्गों के लिए अलग तरीके से विभेद के साथ लागू किया जा सकता है, ताकि वह स्वयं अपना विकास कर सके तथा समाज और विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके। इसे ही विधायी वर्गीकरण कहा जाता है।
जो कि युक्तियुक्त आधार पर रीजनेबल बेस पर जो है उसमें विभेद करने के सिद्धांत का समर्थन करता है। तो इस तरीके से आपने वर्गीकृत विधायन और विधायी वर्गीकरण की अवधारणा को भी समझना चाहा और इस तरीके से उसे स्पष्ट किया जाए। अभी हम अनुच्छेद 15 पर आते हैं। अनुच्छेद 15 भी समानता के सिद्धांत का उल्लेख करता है और यह बताता है कि राज्य भारत के रहने वाले लोगों में केवल, यहां पे प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, केवल केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान राज्य जो है केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी, इन सभी आधारों पर या इनमें से किसी एक आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य यहां पर केवल शब्द का यह है कि इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। बाकी इसके अलावा अगर कोई आधार राज्य को समझ में आता है जो कि अफर्मेटिव एक्शन के अंतर्गत है तो उन आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है, क्योंकि ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो किसी भी प्रकार की व्यवस्था को सीमित और संकीर्ण बनाती हैं। ऐसी स्थिति में इन आधारों पर, यहाँ पर संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से ये एक आर्टिकल के अंतर्गत भी सब आर्टिकल की व्यवस्था की गई है क्योंकि इसमें व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इसी तरीके से पार्ट 15 के खंड दो में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थल या राज्य के द्वारा पूर्णतः या अंशतः पोषित शिक्षण संस्थानों में जाने से मना नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर इन बिंदुओं से संबंधित कोई व्यक्ति है तो उसे भी किसी सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक स्थल का मतलब जैसे कुआं हो गया, तालाब हो गया, इन सभी स्थलों पर जाने से कि इन आधारों पर रोका नहीं जा सकता है कि वह व्यक्ति इस जाति का है, इस लिंग का है, इस वंश का है। इन सभी आधारों पर वह व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल पर या राज्य के द्वारा पूर्णतः या अंशतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में जाने से नहीं रोका जाएगा। तो इस तरीके से ये भी इसी तरीके की व्याख्या को इसमें बढ़ा करके और स्पष्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन चूंकि ये दोनों ही व्यवस्थाएं समानता के सिद्धांत का समर्थन करती हैं, लेकिन अनुच्छेद 15 के खंड 3 में ये व्यवस्थाएं की गई हैं कि राज्य महिला यों बच्चों, पूर्व में भी बताया गया कि समाज के संवेदनशील वर्ग होते हैं, महिलाएं भी होती हैं और बच्चे भी होते हैं, तो इन लोगों, महिलाओं यों बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से यह अनुच्छेद के पूर्व के खंड 1 और 2 के प्रावधान किसी भी स्थिति में नहीं रोकेंगे। यदि राज्य महिला और बच्चों के बेहतरी के लिए, उनके जीवन में सुधार के लिए, समाज और विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए कोई प्रयास करता है तो वह अनुच्छेद 1 और 2 का किसी भी स्थिति में उल्लंघन किया हुआ नहीं माना जाएगा, अर्थात राज्य महिला और बच्चों के लिए कोई प्रावधान कर सकता है। इसी तरीके से खंड 4 के अंतर्गत जैसे यहां पर महिला और बच्चों के लिए किया गया है, वैसे यहां पर ओबीसी, एससी और एसटी, इन तीनों वर्गों के लिए, क्योंकि ये माना जाता है कि सामाजिक और शैक्षिक आधार पर ये तीनों वर्ग अन्य लोगों की अपेक्षा पिछड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में 4 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि राज्य इन वर्गों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। इसी अनुच्छेद की पृष्ठभूमि में राज्य के द्वारा
कानून बनाया गया है, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया है, जिससे यह व्यवस्था की गई है कि राज्य ओबीसी एससी और एसटी के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कोई विशेष प्रकार का प्रावधान कर सकता है। यह व्यवस्था 2005 में की गई थी। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम, 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि सरकार के द्वारा ओबीसी एससी और एसटी इन लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कोई कानून बनाया जा सकता है, और इसी संशोधन के आलोक में आ करके संसद के द्वारा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश एवं आरक्षण अधिनियम 2006 बनाया गया है, अधिनियम 2006 बनाया गया है, जिसके माध्यम से केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था 2006 में किया गया है। 27% आरक्षण की व्यवस्था इसी अधिनियम के अंतर्गत सरकार को प्राप्त शक्तियों के माध्यम से किया गया है कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश एवं आरक्षण अधिनियम 2006, इसके माध्यम से 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये देखा कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 किस तरीके से समानता के कई आयामों को व्याख्यायित करने का प्रयास करता है, जिससे समानता के सिद्धांतों को स्पष्ट किया जा सके, इससे आपकी तैयारी को पूर्ण रूप दिया जा सकता है और परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों को हल करने में आपको पूरी तरीके से इससे मदद मिलेगी। वर्गीकृत विधायक के साथ साथ एक और व्यवस्था है जो इससे जुड़ा हुआ है, क्रीमी लेयर, जिसका भी उल्लेख और व्याख्या यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि 2006 के अंतर्गत जो कानून बनाया गया था शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश एवं आरक्षण अधिनियम, उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो कोर्ट ने 2008 ईस्वी में इसकी व्याख्या करते हुए इसे वैध करार दिया, इसे वैध करार दिया, किंतु यहां पर उसने क्रीमी लेयर के सिद्धांत का कड़ाई से पालन करने के सिद्धांत का समर्थन किया। तो ऐसी स्थिति में क्रीमी लेयर को यहां पर समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि क्रीमी लेयर से संबंधित सवाल भी कई बार पूछे गए हैं। क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर एक ऐसी व्यवस्था है, क्रीमी लेयर एक ऐसी व्यवस्था है जो पिछड़े हुए लोगों में अगले लोगों की व्याख्या करता है और यह बताता है कि इनकी स्थिति पिछड़े लोगों में काफी अच्छी हो गई है, ऐसी स्थिति में इन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर अनारक्षित रूप में देखा और समझा जाए। तो इस तरीके से क्रीमी लेयर का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो पिछड़ों में अगड़े, पिछड़े में अगड़े, ये जो है इसका शाब्दिक अर्थ है पिछड़े में अगड़े। यानी कि अगर कोई भी इस तरीके की व्यवस्था, मान लीजिए ये पिछड़ा हुआ वर्ग है और लोग यहां से ऊपर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये पूरी पिछड़ी हुई व्यवस्था में ये सबसे निचला स्तर होगा और समाज में जो एक ऊपरी स्तर होगा इसी को आर्थिक सामाजिक आधार पर जो आगे बढ़ चुके हैं उन्हीं को इस आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर के दायरे में लाया जाएगा। और ये क्रीमी लेयर की जो व्यवस्था की गई है, जो इसकी व्याख्या की गई है, ये आर्थिक आधार पर की गई है, समय समय पर इसकी एक लिमिट निर्धारित की जाती है, आर्थिक सीमा का निर्धारण किया जाता है, जो बताता है कि पिछड़े लोगों में वह लोग जो इस सीमा से ऊपर हैं उन्हें क्रीमी लेयर के दायरे में रखा जाए और वह कैंडिडेट जो है अनरिजर्व के रूप में आएंगे, अनारक्षित वर्ग में आएंगे, जिनको आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिलेगा। वर्तमान समय में इसकी सीमा 12 लाख निर्धारित की गई है, ये यद्यपि ऐसी सीमा है जो वर्तमान में है, परंतु इसको इसकी वृद्धि के लिए भी बात चल रही है, तो ये कभी भी बदल सकता है। यह एक सामयिक किस्म का लिए जाने वाला निर्णय है जो सरकार के स्तर पर देश की परिस्थितियों, महंगाई, लोगों की आय इत्यादि के आधार पर लिया जाता है। तो क्रीमी लेयर आरक्षण के संदर्भ में जो भी
आरक्षित वर्ग को फायदे प्राप्त होते हैं उनके आधार पर उनमें अगड़े हुए लोगों के लिए एक ऐसी व्यवस्था है जो ये बताती है कि वह उन पिछड़े हुए लोगों से आर्थिक आधार पर काफी आगे निकल चुके हैं और उन्हें अब आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिलना चाहिए। क्रीमी लेयर मतलब पिछड़े में अगड़े, अर्थात ऐसे लोग जो एक निश्चित आय सीमा से अधिक आय अर्जित करते हैं उन्हें जो है क्रीमी लेयर कहा जाता है और इन्हें जो है अनरिजर्व के रूप में देखा जाता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इस बात की व्याख्या करता है और उसके आधार पर प्रस्ताव तैयार करता है, पुनः सरकार के पास भेजा जाता है और वित्त मंत्रालय इस पर अध्ययन करने के उपरांत निर्णय लेता है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया यह प्रस्ताव सही है कि नहीं। यदि उसे सही प्रतीत होता है तो वह उसे पारित करता है और उसके द्वारा पारित किया गया लिमिट ही क्रीमी लेयर की सीमा होती है। तो इस तरीके से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अपनी रिपोर्ट या प्रस्ताव को तैयार करने के पूर्व देश की स्थिति, महंगाई, लोगों के आय, खर्चे, इन सारी चीजों के आधार पर इस प्रस्ताव का निर्माण करता है और क्रीमी लेयर के लिए समय समय पर इसकी लिमिट बनाई जाती है। तो इस तरीके से आपने क्रीमी लेयर के भी प्रावधान को यहाँ पर देखा। तो आज के इस टॉपिक में हमने समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण और अनुच्छेद 15 के अंतर्गत इन पांचों आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ अलग अलग प्रकार के व्यवहार न करने के सिद्धांत का उल्लेख देखा और इसमें भी यह बताने का प्रयास किया गया कि ये व्यवस्थाएं तो हैं परंतु यदि महिलाओं और बच्चों के लिए तथा 4 के अंतर्गत ओबीसी एससी और एसटी के लिए किसी भी प्रकार का विशेष प्रावधान करता है तो राज्य और सरकार के द्वारा यह कदम अनुच्छेद 15 के खंड 1 और 2 के अंतर्गत किए गए प्रावधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, वह भी समानता के लिए राज्य के द्वारा किए गए अफर्मेटिव एक्शन के अंतर्गत आएगा, यह भी किसी न किसी रूप में समानता के उद्देश्य और भावना को प्राप्त करने से संबंधित माना जाएगा। तो इस तरीके से आज के इस टॉपिक में हमने समानता के अंतर्गत अनुच्छेद 14 और 15 का अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं इस टॉपिक के माध्यम से समानता के प्रत्येक को स्पष्ट करने में आपको आसानी हुई होगी। पुनः एक अलग क्लास में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम मिलेंगे। तब तक आप अपनी इस टॉपिक के साथ साथ अन्य टॉपिक और सेक्शंस में संतुलन बनाते हुए तैयारी जारी रखिए। नमस्कार।